नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। मैं हूं आपके साथ रिद्धि। गर्मियां आने वाली है, ऐसे में अब पानी पीने की प्यास जो है और लगेगी, पानी पीने का और मन करेगा। ऐसे में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पानी हमेशा मिट्टी के बर्तन में पीना चाहिए, तो आपकी फैसिलिटी के लिए मार्केट में मिट्टी के बर्तन वाले पानी के जो घड़े होते हैं वो भी आ गए हैं, जो आप डायरेक्टली जिससे पानी ले सकते हैं। ऐसे में आपको दिखाते हैं कि क्या क्या वैरायटी इस बार मार्केट में आई है और भी इसके बारे में जानकारी जो है हमारे एन एक्सीलेंट कोचिंग पॉइंट इन आईएलटीएस एंड स्पोकन इंग्लिश, आल्सो एक्सपर्ट इन स्टडी एंड विजिटर वीजा, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, एसएस ग्रुप, सेशन चौक, होशियारपुर के साथ साझा करेंगे, तो हमारे साथ जरूर एंड तक जुड़े रहिएगा। तो सर, गर्मियाँ आने वाली है तो मिट्टी के बर्तन की डिमांड जो है ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि जैसे आपके दुकान में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है फिर? मैडम, गर्मियाँ जैसे अभी ना अप्रैल स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल के स्टार्टिंग से ही मिट्टी के मटकों की डिमांड काफ़ी स्टार्ट हो जाती है। मिट्टी के मटकों की डिमांड इसलिए आती है, एक तो इसमें जो पीएच लेवल है वाटर का वो सेट रहता है, दूसरा डाइजेशन के लिए, बीपी के लिए। रूटीन में डॉक्टर रिकमेंड यही करते हैं, आपने रूटीन में देखा होगा गर्मियों में लोगों के गले ख़राब हो जाते हैं, ठीक है जी। दो चार दिन एंटीबायोटिक देने के बाद डॉक्टर हमारे पास ही भेजते हैं कि आप मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें पानी रात को रखिए और उसी को सुबह पीजिए। तो इसी के कारण जो डिमांड है वो अप्रैल ऑनवर्ड्स काफ़ी बढ़ जाती है। तो आपके पास और कौन कौन सी वैरायटी की चीज़ें हैं, जैसे मटकों के साथ साथ ये नई जो चीज़ जो है मार्केट में आई है, इसे हम क्या कह सकते हैं? मैडम, ये मटके ही हैं जी, ये ट्रेडिशनल मटके ही हैं, बस इसको एक टैब लगी हुई है। थोड़ा यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हमारे पास हांडियाँ होती हैं जिसमें आप कुकिंग कर सकते हो, दाल वगैरह बना सकते हो। फुट मसाजर होते हैं, तो इसके प्लांटर्स होते हैं हमारे पास हर साइज़ में, तकरीबन 6 इंच से लेके 2 फुट तक का प्लांटर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही मिलेगा जी। हम इस चीज़ में 1952 से डील कर रहे हैं, सबसे पुराने हम ही हैं और हमारे पास 12 महीने हर तरह का स्टॉक अवेलेबल होता है। तो ये कौन सी मिट्टी के बनाए जाते हैं, मतलब इसका क्या प्रोसीजर क्या होता है बनाने का, किस तरह एक तरीके से बनते हैं? मैडम, ये नेचुरल मड्डी होती है जी। सबसे पहले इसको मतलब इसको तोड़ते हैं जी, रिफाइन करते हैं, रिफाइन करके थोड़ा मिट्टी इसको पानी में डिप करते हैं जी। डिप करने के बाद फिर से इसकी रिफाइनिंग होती है जी, फिर रूटीन में मिट्टी की शेप आ जाती है मशीन द्वारा, और फिर ये हैंडमेड है जी, हाथ से मशीन पे बनाए जाते हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? फाइन। तो आज क्या लेने आए हो शॉपिंग करने? बस गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, मटके लेने आए सी। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? मटके तो मैम फ्रिज नालों वधिया होंदा, पानी ठंडा होंदा आ, शरीर नूं ठंडक दिंदा आ। फ्रिज का पानी तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए, बहुत वधिया होंदा गर्मियों च। गर्मी है इसलिए मटके लेने आए सी। हाँ जी।